तो 11th के लेसन में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल इज द टर्म ऑफ एसआई यूनिट विच कंटेन 6.622 × 10²³ पार्टिकल्स। जब भी अगर हम वन मोल की बात करते हैं कि वन मोल क्या है, तो वन मोल का मतलब है कि कोई भी अगर लिखा हो कि इतना वन मोल, तो इसका मतलब है कि उसमें इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक दर्जन केले का मतलब है 12 हो गए। तो इसी टाइप से अगर हमने कह दिया वन मोल बनाना, तो इसका मतलब है कि वन मोल बनाना का मतलब है कि इतने बनाना। वन मोल चेयर्स, तो वन मोल चेयर्स का मतलब है 6.022 × 10²³ चेयर्स। तो अगर वन मोल टर्म अगर यूज करते हैं, तो इसका मतलब उसमें इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर्स। अब मेन चीज आती है कि वन मोल कॉन्सेप्ट में मोल के न्यूमेरिकल का यूज कैसे करते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले याद रख करने हैं। अगर ग्राम के टर्म में है, तो इन टर्म ऑफ ग्राम, ग्राम के टर्म में अगर कोई है, मास के टर्म में अगर है, तो अगर कोई मास के टर्म, इन टर्म ऑफ मास में लिख सकते हैं। तो अगर मास के टर्म में कोई मोल निकालना हो, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मतलब मोल इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन एम। एक तो इन टर्म ऑफ मास है, मास के टर्म में हम लोग हमेशा मोल का ये फॉर्मूला चलेंगे कि जो भी गिवन मास गिवन है वो मास रख देंगे, अपॉन उसका ग्राम मोलर मास, उसका मोलर मास रख लेंगे हम लोग GMM। अगर एटम है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास रख देंगे। तो ये मोल निकालने का फॉर्मूला है। तो N=W/m, यहाँ W है उसका मास या वेट कह सकते, और यहाँ मोलर मास। बट अगर हम इन वॉल्यूम के टर्म में लेते हैं, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम में मोल निकालने का फॉर्मूला होगा मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। अगर कहीं वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है STP पर, तो उसमें 22.4 का अगर हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएंगे। तो अगर वेट के टर्म में दिया है तो मोल निकालने का ये फॉर्मूला लगाएंगे, मास के टर्म में दिया है, और अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो मोल निकालने का फॉर्मूला ये लगाएंगे। इन दोनों फॉर्मूले के अलावा तीसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम मॉलिक्यूल आयंस जो भी है इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयंस या इलेक्ट्रॉन जो भी लेना हो, अपॉन 6.022 × 10²। अगर तुम्हें मोल्स पता लग जाते हैं उन दोनों फॉर्मूले से, जैसे वेट दिया है तो एक वो फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम दिया है तो दूसरा वाला यूज कर लेंगे। जब मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर यहाँ रख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, जिसके भी निकालने हो, एटम के निकालें, मोलिक्यूल के, आयंस के, इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन्स के, जिसके भी निकाले, तो उन मोल्स को यहाँ रख देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। यहाँ मोल्स ऑफ एटम है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, या ये मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयंस डिवाइडेड है एवोगैड्रो नंबर्स। तो इसका मतलब है मोल्स में अगर हम एवोगैड्रो नंबर्स का इंटू कर देंगे, इसे उठा के इंटू कर देंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इन तीन फॉर्मूले का हम लोग यूज करके मोल्स को निकालेंगे। सपोज एक क्वेश्चन बनाते हैं, फाइंड द
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल्स कॉमा एटम्स इन 34 ग्राम NH3। तो 34 ग्राम NH3 में हमें मोल्स भी निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स भी निकालने हैं, एटम्स भी निकालने हैं 34 ग्राम में। तो सबसे पहले हम लोग यह देखा करें कि गिवन क्या है। गिवन में दिया है हमारा मास W इक्वल टू दिया है NH3 का 34 ग्राम, 34 ग्राम NH3 है। तो जिसका दिया है NH3, तो NH3 का मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर मास क्या निकालेंगे, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 होता है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 मिला के 17 हो गया। तो इसका मोलर मास, अब हमें पता है कि अगर जब ग्राम के टर्म में दिया जाए तो हम लोग मोल निकालने का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, N बराबर W अपॉन M, यानी 34 अपॉन 17 यानी 2 मोल्स। तो मोल्स की संख्या हमारी 2 आ गई। तो हमने कहा था कि पहले तो उन दो फॉर्मूले से हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, इसके बाद जब हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हों तो फिर तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि मोल्स मिल चुके। अब हमें मोल्स मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है, तो हमने क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर्स। तो अगर कभी भी मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के जितने मोल्स आते हैं उसमें एवोगाड्रो नंबर का मल्टी 6.022 इंटू 10^23 इसमें इंटू कर देंगे, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, NH3 के मॉलिक्यूल्स की संख्या टोटल इतनी होगी। अगर हमें NH3 में टोटल एटम्स के अगर निकालने हैं, तो टोटल एटम्स का मतलब है टोटल एटम्स NH3 में कितने हैं, तो मॉलिक्यूल, तो अगर हमें देखने के इतने मॉलिक्यूल्स में टोटल एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने हैं इसके टोटल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कि मॉलिक्यूल्स कितने आए, 2 इंटू 6.022 इंटू 10^23। इसमें NH3 में टोटल एटम्स की संख्या कितनी है, अगर जैसे पूछता कि बताओ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, तो हाइड्रोजन एटम 3 हैं, तो हम इन मॉलिक्यूल्स में 3 का मल्टीप्लाई कर देते। नाइट्रोजन की संख्या पूछता कि पूरे NH3 मॉलिक्यूल्स में कि कितना कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम्स हैं, सपोज नाइट्रोजन कितना है, तो हम यहाँ 1 रख देते मॉलिक्यूल्स में। हाइड्रोजन का पूछता तो हम यहाँ 3 रख देते, बट टोटल एटम्स पूछ रहा है, तो टोटल एटम कितने हैं, नाइट्रोजन 1 है और 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल मिला के जितने भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उसमें टोटल एटम्स 4 हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन NH3 आ जाएगा। तो इस टाइप से अगर कभी भी मोल्स यहाँ देखेंगे, अगर टर्म ग्राम में है तो ग्राम वाला फॉर्मूला लगाएंगे और ग्राम वाले फॉर्मूले से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब मोल्स आ जाएं तो उसमें मोल्स में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें देखने हैं तो जितने भी मॉलिक्यूल्स आएँ और उस में कितने टोटल एटम प्रेजेंट है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन टोटल मिला के 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो जितने भी मॉलिक्यूल आएँ उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल NH3 के नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। अगर हम देखते हैं कि जैसे दूसरा क्वेश्चन एक बनाते हैं, अच्छा जब STP की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, और STP पर प्रेशर को रखा गया है 1 atm, प्रेशर मानते हैं 1 atm, और टेम्परेचर को 0°C या 273 केल्विन के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये STP पर होता है, तो इस चीज़ को याद रखना, 1 atm प्रेशर है और 273 केल्विन है। जैसे अगर हम कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट 273 केल्विन एंड 2 atm प्रेशर। तो 2 atm प्रेशर पे, चूंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स इन 350 सेंटीमीटर क्यूब्स यानी वॉल्यूम गिवेन है, बट वॉल्यूम गिवेन है कितने में, 350 सेंटीमीटर क्यूब में गिवेन है, और वो भी STP पर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 atm प्रेशर है,
जबकि कंडीशन एसटीएफ की क्या थी, 180 एम प्रेशर पे, 273 केल्विन पे। तो हम जब भी मोल्स निकालेंगे तो वॉल्यूम के बने तो वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर लीटर में। तो पहले तो हम ये जो वॉल्यूम है इसे एसटीपी में कन्वर्ट करेंगे कि एसटीपी का वॉल्यूम क्या होगा, वो कन्वर्ट करने के बाद तब उस फॉर्मूले में हम लोग यूज करके तब मोल्स निकाल पाएंगे। तो इसका देखो हमें वॉल्यूम गिवेन है, कितना गिवेन है, 350 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर गिवेन है इसका 280 एम। टेम्परेचर इसका गिवेन है 273 केल्विन, यानी वॉल्यूम प्रेशर टेम्परेचर गिवेन है। एसटीपी पर अगर हम बात करें तो एसटीपी पर देखो वॉल्यूम हमें निकालना है और एसटीपी पर प्रेशर हमें पता है 180 एम फिक्स है और एसटीपी पर टेम्परेचर होता है 273 केल्विन। तो एक आइडियल गैस आगे चल के गैसीय स्टेट पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो P1 मान लो ये है P1V1 T1 और ये मान लो P2V2 T2। तो प्रेशर कितना है 280 एम, यहाँ लिखे दे रहे 2 इंटू वॉल्यूम कितना है 350 सेंटीमीटर क्यूब में अपॉन T1 कितना है 273 इज इक्वल टू इसका P2 कितना है होता है 1, वॉल्यूम निकालना है अपॉन 273, ये कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। बट वहाँ तो हम लोग लीटर में यूज करते हैं, तो अगर इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 700 अपॉन 1000 कर देंगे बराबर 0.7 लीटर वॉल्यूम मिल गया। अब 0.7 लीटर वॉल्यूम मिल गया, अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं क्योंकि एसटीपी पर अब हमें ये मिल चुका है। तो वॉल्यूम उसका फॉर्मूला क्या हम लोग बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम हमें मिल चुका है, वॉल्यूम आ गया है एन इक्वल टू 0.7 एसटीपी पे मिल गया है लीटर में अपॉन 22.4 लीटर कर देंगे तो इससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इस टाइप से तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से टर्म है। जैसे हम कहें कि एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कॉमा मॉलिक्यूल एंड एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन 53 ग्राम Na2CO3। तो देखो टर्म जो है 53 ग्राम यानी मास दिया है इसका 53 ग्राम, तो 53 ग्राम इसके क्या दिया Na2CO3, तो इसका मोलर मास जब निकालेंगे Na2CO3 का तो एक ना सोडियम का 23 होता है तो 46 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 106। अब W और M मिल गए तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू N बराबर क्या हो जाएगा W अपॉन M, यानी 53 अपॉन 106 यानी 1/2 यानी 0.5 मोल्स आ गए। अब मोल से मॉलिक्यूल्स अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स बराबर जितने मोल्स आए उसमें एवोगैड्रो नंबर का 6.022 इंटू 10^23 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहा है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट एटम कितने हैं, किन किन ने, जैसे दो सोडियम है इसमें, दो सोडियम है, तो अगर हमें सोडियम का निकालना है
नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने प्रेजेंट है इतने मॉलिक्यूल्स में, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना। अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो 1 कार्बन है, तो जितने मॉलिक्यूल उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कार्बन आ जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो जितने मॉलिक्यूल उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके हम लोग जितने मॉलिक्यूल उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।